हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी हमारी चंद मेरी किताब। सब लोग खैरियत होंगे, चैंपियन के खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम माद और मेरा नाम है खुरम। तो यार क्या मस्त एंट्री हुई है अपने प्रेम भैया की, लेकिन उन्होंने कांट ऐसा किया है कि अब जाहिर बात है वो पंडित जी उनसे मिलने कहते हैं कि पूजा लड़की है वो सुधार सकती है प्रेम को, लेकिन अब आगे देखते हैं कि क्या वाकई पूजा उसको सुधार पाएगी कि नहीं। जल्दी स्टार्ट करते हैं, 3-2-1 एंड स्टार्ट। हेलो, फोन कब से फोन ट्रैक कर रही हो तुम्हारा? अच्छा ये बताओ शादी का क्या हुआ? शादी से तुम्हें भाग गए हो लेकिन मेरा पासपोर्ट उन लोगों के पास है। What? अरे नया पासपोर्ट बनाने के लिए कम से कम 10-15 दिन लग जाएंगे। लेकिन इतने दिन में क्या करूंगी, ये लोग मुझे ढूंढ लेंगे। सुनो मैं बाद में फोन करती हूँ। हेलो हेलो, काफी खतरनाक लग रहे मुन्ने। Hi Pooja, need to be trapped somewhere? No, thank you. Prem and his uncle are coming to fetch me. Okay. Hey Prem, Pooja तो 3 नंबर से आने वाली है, हम लोग 7 नंबर पे क्यों खड़े? ये तो game plan है। मेरे ख्याल से वो सामने वाली क्यों रहा है? पूजा हमें पहचानेगी कैसे? यही तो मैं चाहता हूँ कि नहीं पहचान। क्यों? ये क्या कर रहे हो? ये क्या आवाज? ये बापू श्री के लिए सबूत है कि हम लोग एयरपोर्ट आए थे, पूजा मिलते हैं। प्रेम चाह रहा पूजा ना मिले। अरे तो हम लोग यहाँ आए। यार चाचू मुझे एक बात बताओ, ना तुमने कभी उसे देखा है, ना मैंने कभी उसे देखा है, ना परिवार वालों ने उसे कभी देखा है। और गुरुजी ने एक इम्पोर्टेड पूजा मल्होत्रा को अमेरिका से यहाँ पर भेजा ताकि मुझे शादी करो, मुझे सुधारे। करेक्ट चाचू, मुझे तो एक निहायत ही खुर्राट प्लस कमीनी होनहार बीवी चाहिए। खुर्राट कमीनी होनहार? और आजकल ये खुर्राट प्लस कमीनी प्लस होनहार बीवी मिलती कहाँ है? जीती थी सबकी शादियाँ हो गई। लेकिन यार ये गुरुजी को क्या कहेंगे? गुरुजी की माँ की आँख उसकी बहन है, है ना? तो ये आँख अपन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, एक माँ की और दूसरी बहन की। ले भाई जान छुड़ा ली। ए प्रेम, इतनी नफरत से मुझे प्रेम किसने बुलाया? तुम्हें क्या लगा मैं टर्मिनल 3 पे खड़ी तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुम ये फोटो खींच के डैडी को बेवकूफ बनाओगे? पूजा पहचान कैसे? आपको नहीं, इससे डैडी ने अमेरिका से चलते वक्त इसका डिस्क्रिप्शन दिया था। पूरे एयरपोर्ट पर नजर घुमाई, खोले चेहरे वाला सबसे बड़ा कमीना यही नजर आया। वाह वाह वाह, प्रेम क्या पहचान बनाई है, आई एम प्राउड। भाषा में बात कर रही है। ये शादी के वस्त्र में क्यों? तुम्हें क्या लगा अमेरिका से 2-पीस बिकिनी पहन के आती? बेटर होता ना। ओ जस्ट शट अप। तू भी यार। Excuse me. Situation का advantage मत लो. And don't you dare touch me. चलो. वाह, खुर्राट प्लस कमीनी प्लस होनहार बन के दिखाया। काश कुछ और मांग लिया तो चाचू। इससे अच्छा और क्या मांगता? सोच, घर में एक यंग खुर्राट और एक ओल्ड खुर्राट, और दोनों पे बेटिंग होगी कि सबसे बड़ी खुर्राट कौन? तेरी चाची और इसकी बहुत जमेगी। सच, मैं तो तेरी वाली भी बेटिंग करूंगा। ब्रावो, आगे आगे यार। वैसे भी ये पूजा ही है या किसी और लड़की को मंडप से उठा लाया? बाकी ये कोई और ही लड़की है। चौंक गए ना आप लोग, मैं शादी के जोड़े में। वो क्या है ना, लड़की सबसे ज्यादा खूबसूरत शादी के जोड़े में लगती है। तो मैंने अपने आप से बोला, पूजा डोंट टेक अ चांस, अगर सबको इंप्रेस करना है तो दुल्हन बन के जाओ। खुर्राट। अच्छा ये तो बताओ तुम्हें हमारा प्रेम कैसा लगा? कैसा लगा? मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगे। और अगर आप लोगों ने साथ दिया तो इससे भी अच्छा बना देंगे। ठीक कर देगी इसे। कमाल है, सामान तो लाई नहीं। सामान? सामान लाने की क्या जरूरत थी, किसी होटल में थोड़ी आई हूँ रहने के लिए, अपने ससुराल आई हूँ, किसी चीज की कमी है क्या यहाँ पे? हाँ बस वो तुम्हारे जैसे उसकी कमी थी। वो किसकी? वो बेटे की, उसकी को क्या बोलते हैं? बहू। बस एक बहू की कमी थी जो तुम्हारे आने से पूरी हो गई। तेरा बाप वो हो गया है पागल। डैडी को बोलो तेरे मेरे बड़े भाई के बारे में ऐसा बोलता है। अच्छा ये बताओ तुम शादी में कब जा रही हो? शादी से तो भाग कर आई हो। भाग कर?
लेकिन तुम तो अपनी फ्रेंड की शादी में फुकेट जाने वाली थी ना? हाँ, जाने वाली तो थी। जाने वाली तो थी, मतलब जब गई नहीं तो फिर भाग के कैसे आ गई? भाग के मतलब बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा है। बड़ी बात है, फुकेट में खाली फुकेट का टाइम क्यों वेस्ट करती? फुकेट का टाइम वेस्ट क्यों करती? फ्रेंड की शादी में जाती तो अपनी शादी की तैयारी कैसे करती? और गुरुजी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे भी तो निभाना है। ये तुझसे शादी करके ही रहेगी। नहीं है। इसकी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा मैं। साहब, पूजा का फोन है। पूजा? ओ, नहीं भाई, पूजा कहाँ? नहीं, पूजा के लिए। अबे क्या बातें घुमा रही है। हेलो, हेलो, हाय, हाउ आर यू? पिछले दो घंटों से मैं एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ और आप पूछ रहे हैं हाउ आर यू? आई एम नॉट ओके, अंडरस्टैंड? मेरी फ्रेंड वही शादी वाली काफी गुस्से में है। I'm waiting at the airport. Come on, और वो मुझे लेने ही नहीं आया। टाइम नहीं मिला ना? अमेरिका से यहाँ आई हूँ और उसे टाइम नहीं मिला? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो प्रेम के डैड से बात कर लो। मेरे से? डैड, आप सबको बुला रही है, बोल दीजिए ना, हम फ्री नहीं है। हाँ, देखो हम कोई नहीं आ सकते, हमारे पास वो नहीं है। क्या तो गाड़ी नहीं है? नहीं, गाड़ी तो है, वो रहता है ऐसा, वो लंबा वो हिलता रहता है जो पेंडुलम। हमारे पास पेंडुलम नहीं है। एक्सक्यूज मी, टाइम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, सॉरी। सुन लिया ना, अब तो यकीन हो गया? अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है, देन इवन आई एम नॉट स्टूपिड जो यहाँ आप लोग के लिए अपना टाइम वेस्ट करूं। नहीं भाई, अच्छी नहीं लग रही है। और 8-10 दिनों के बाद मैं गुरुजी के आश्रम चली जाऊंगी। अगर आप लोग को फाइनली टाइम मिल जाता है और आप उनसे मिलना चाहते हैं तो वहीं आ जाइएगा, अंडरस्टैंड? ओके, दैट्स अ ग्रेट आईडिया, बाय। चलो पूजा, मैं तुम्हें गेस्ट रूम में ले चलती हूँ। चाची जी, मैं कोई गेस्ट हूँ जो गेस्ट रूम में रहूं? मैं प्रेम के कमरे में रहूंगी। इसके बिना शादी से पहले? जब तक शादी नहीं होती तब तक प्रेम गेस्ट रूम में रहेगा। ये इसका क्या है, ये तो टेबल पे भी सो जाएगा, देखो तो सोया हुआ है। ओ मैडम, रहना है तो गेस्ट रूम में रहना, वरना ऐसा गायब कर दूंगा कि google.com भी तुम्हें ढूंढना पाएगा। प्रेम, बट डैडी शी इज बेबी लाइक अ बिच। अंकल कूल डाउन, अब मैं आ गई हूँ ना। ले भाई, प्रेम बोलती थी रूम से बाहर निकाल दिया। Now look here my future husband, अभी तो सिर्फ कमरा छीना है, उसके बाद तुम्हारी नींद, तुम्हारा चैन, तुम्हारे होश तक छीन लूंगी, खाली कर दूंगी, खाली। ए नो गाली यार, ये ऐसी है, बन के दिखा, मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए। जाओ भाई, जाओ दिखाओ। आती हूं भाई साहब, ये ठीक कर देगी इसको। है ना एकदम कोमल कली, चिपकली है चिपकली। मुझे नहीं पता कहाँ है वो लड़की, मैं सच कह रहा हूँ। तुम लोगों के हाथ से निकल गई, हमारे आदमियों के हाथ नहीं आई तो वो कहीं कहाँ? सारे शहर में वो किसी को नहीं जानती और उसे कोई नहीं जानता, कहाँ जा सकती है? कहाँ जा सकती है वो? कहाँ? मारो इसे! इससे पहले कि वो सूरज चौधरी के हाथ लग जाए, हमें किसी भी कीमत पे वो चाहिए। कह रहे हैं नहीं लगनी चाहिए। अब ले मारने आ गई। इसको क्या हो गया? अभी मारने क्यों आया बे? कोई तो रोक लो, है तो सर से पांव तक वन पीस। इसके पीस में कैसे करूं? यार भाई मजा आ गया। मारने मतलब आते, लेकिन रुक गया। रुक गया, जाहिर बात है तो बड़ी प्यारी है ना, क्यूट सी, तो जाहिर बात कह रहा है तो ये वन पीस, लेकिन कैसे करूं इसके इतने थी। सबसे बड़ी बात ये कि अब जो है ना, ये जब भाई एयरपोर्ट से पूजा को लेने जाते हैं और वहां पे बात कर रहा होता है, मुझे वो चाहिए, खुराट चाहिए, कमीनी चाहिए, भाई ये पीछे सारी बातें सुन रही होती है, तो और वो गुंडे भी पीछे लगे होते हैं, तो उनसे बचने के लिए भाई, ओ प्रेम कहाँ जा रहे हो, मुझे सारा ये बता दिया था। वैसे इसने गेम बहुत अच्छी खेली है यार, मुझे मेरे ख्याल से गुंडों से बचने के लिए ना उसने ये किया। अब ये नहीं पता कि ये है ही ऐसी खुराट कमीनी है या बनने का नाटक कर रही है, मेरे ख्याल से, क्योंकि एक्टिंग भी बड़ी मुश्किल होती है और एक्टिंग ऐसा कर रही है बिल्कुल अंदर घुस के कर रही है, और शक भी किसी को नहीं हो रहा। लाला प्रेम से कमरा छीन लिया अभी रात के ही। हां ना यार, वो सोई हुई किस तरह पूरे बेड पे लेट गए, सारी बात है, और क्या। अब अभी तो आई नहीं, और हालांकि वो पूजा भी नहीं है, और उसे अभी जो है ना वो कमरा छीन लिया, अभी आगे आगे देखो और करता क्या। लेकिन भाई उधर से
अब ये पता नहीं कौन है जो इसको ढूंढ रहा है, जाहिर बात है, और कह रहे हैं कि सूरज चौधरी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अब ये मामला क्या, ये तो आगे पता चलेगा। बाकी ये है कि जो ये लड़की ये पूजा बन के आई है, और असली वाली जो पूजा को फोन आया उसको भी इसने घुमा दी भाई। ओ भाई, उसको भी कहते हैं कि यार वो शादी में आने को बोलती है, आप लोग भी आइए, कहती बोल दीजिए नहीं, नहीं नहीं, वो प्रेम के पिता ने बोल दिया नहीं। लेकिन उसका भाई एटीट्यूड बहुत था, बाकी जिस तरह बातें कर दी, मैं जा रही हूँ आश्रम, उधर ही बोलना, मिलने आ जाना। मेरे ख्याल से तो वो प्रेम को नहीं सुधार सकती, हालांकि ये सुधार सकती है अभी जो आई पूजा बन। लेकिन अब आगे देखते हैं कि आगे होता है क्या। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बहुत अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।